वेलकम टू माई YouTube चैनल गाइस। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर करेंसी जो है वो चेंज होने वाली है। ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है इन दोनों में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी करेंसी आ रही है, पहली करेंसी के साथ क्या होगा, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से करेंसी चेंज करनी पड़ रही है, और करेंसी चेंज होने के बाद हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। तो ये सब हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वही कहूँगा जो हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि करेंसी क्यों चेंज हो रही है। करेंसी गाइस इस वजह से चेंज हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों में जाली करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। जाली करेंसी की शिकायत ज़्यादा होने की वजह से ये फैसला किया गया है कि करेंसी चेंज की जाए। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि करेंसी अगर ये नहीं होगी तो कौन सी करेंसी आएगी। गाइस इसकी जगह प्लास्टिक नोट्स आ रहे हैं, कागज़ के नोट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसकी जगह प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं। 50, 100, 500 और 1000 के, 5000 का नोट ख़त्म हो रहा है, 1000 तक नोट आएंगे जिसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। पेशावर यूनिवर्सिटी ने नई करेंसी के डिज़ाइन तैयार करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को भेज दी है, जिस पे मंजूरी के बाद अमल शुरू हो जाएगा नोटों की प्रिंटिंग का। और प्लास्टिक नोटों के बाद हमारे पास जो जाली नोट होते हैं उनकी प्रिंटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये वॉशेबल नोट होंगे और जाली नोट ना होने की वजह से मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में मालूम हासिल हो सकें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।